हेलो फ्रेंड्स, winexams.com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय राज व्यवस्था, जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और न्यू वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें winexams.com। भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था, यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हमें इस सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को निपटाएंगे। सबसे पहले आज हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान के विकास से, जिसमें कि हम वो सारे रूल पढ़ेंगे जो कि कंपनी एक्ट के अंतर्गत आए। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे इसमें। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भारतीय संविधान के विकास से। इसके पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान किसी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए नियम कानूनों का संग्रह होता है। नेक्स्ट है अपना भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान दो तरीके के होते हैं, लिखित और मौखिक। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखित में सबसे बड़ा संविधान है। आगे अगर पूछते हैं कि पहला लिखित संविधान कौन सा है, तो अमेरिका आपको आंसर लगाना है। और अमेरिका साथ ही साथ सबसे छोटा संविधान भी है। इसमें सिर्फ 7 आर्टिकल हैं। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। संविधान दो तरीके के होते हैं, लिखित और मौखिक। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन को छोड़कर लगभग सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का लिखित संविधान है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम का लिखित संविधान नहीं है। इनका नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि पहला नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करें पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो अमेरिका है। और अगर हम बात करें लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया है। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया। हमारे संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां अभी हैं, लेकिन जब ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वहीं इसको लागू करने की डेट जो है वो 26 जनवरी 1950 है, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान के विकास के अंतर्गत विभिन्न एक्ट पारित किए गए, जो कि 1773 से लेके 1947, जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया तब तक विभिन्न एक्ट पारित किए गए हैं। उन एक्ट को हम पढ़ेंगे। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कंपनी एक्ट, जो कि 1773 से लेके 1853 तक चलते हैं। वहीं दूसरा पार्ट है ब्रिटिश क्राउन, मतलब जब जब सत्ता ब्रिटेन क्राउन के पास चलेगी, उसमें हम पढ़ते हैं 1853 से लेके 1947 तक के एक्ट के बारे में। पहला एक्ट है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंतर्गत कुछ प्रावधान हुए जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वॉरिंग हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। होता क्या था कि इस एक्ट के पहले 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इन तीनों के अपने अपने गवर्नर थे, लेकिन अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ है, तीनों गवर्नर को मर्ज करके हमने गवर्नर जनरल का पद ला दिया है, जो कि अब बंगाल के होंगे। और बाकी कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर्स को इन गवर्नर जनरल के अधीन काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक सरकार बनाई गई, जिसके प्रमुख गवर्नर जनरल और परिषद के 4 सदस्य थे। इस परिषद में हेड का काम जो कर रहे थे वो गवर्नर जनरल हमारे वॉरेन हेस्टिंग थे, और इसके परिषद के 4 सदस्य थे, जिनका नाम था क्लेवरिंग, मानसर, बर्बेल और फिलिप। नेक्स्ट पॉइंट है कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम आपको याद रखना है, ये है सर एलिजा एम्पे, और अन्य 3 न्यायाधीश हैं चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। इसके अंतर्गत एक और प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि वॉरिंग हेस्टिंग हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, रेगुलेशन एंड ऑर्डिनेंस मानने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, रिश्वत लेने से प्रतिबंधित किया गया। इस एक्ट के लागू होने के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में निजी व्यापार मतलब पर्सनल ट्रेड चलाया जा रहा था। कंपनी के एम्प्लॉयज भारतीय जनता से गिफ्ट के नाम पे रिश्वत लिया करते थे। इस एक्ट के चलते इसे प्रतिबंधित किया गया। हमारा अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
रेगुलेटिंग एक्ट में जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें कुछ कमियां थी, जिसको 1781 में एक एक्ट आया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके चलते ही 1784 में इसे इसे और एक्सपांड किया गया और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसमें दोहरे शासन का गठन हुआ। दोहरे शासन मतलब डुअल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें हुआ, जिसके अंतर्गत पॉलिटिकल और कमर्शियल मामलों को अलग किया गया, मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक मामले अब अलग-अलग डिपार्टमेंट हेड करेगा। इसमें दो दो बोर्ड्स बनाए गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाणिज्यिक मामलों के लिए बनाया गया, जिसमें कि कंपनी के ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड चीज़ों को देखा जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वो ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार और राज्य गतिविधियों का अधीक्षण और नियंत्रण कर सके। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद जितने भी एक्ट आए उनका नाम चेंज होके चार्टर एक्ट के नाम से आए हैं। पहला चार्टर एक्ट अपना 1793 में आया, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के सदस्यों और कर्मचारियों को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अगला चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें कंपनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यद्यपि उसका चीन से व्यापार तथा चाय से व्यापार पर एकाधिकार बना रहा तथा कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इसी टाइम पीरियड में 1813 के समय से इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश स्कूल को काफ़ी इंपॉर्टेंस में लगी, काफ़ी सारे स्कूल्स खोले गए इंग्लिश में जो थे। नेक्स्ट चार्टर एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके अंतर्गत कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। इसके पहले वाले एक्ट में हमने पढ़ा था कि 20 साल एकाधिकार को बढ़ाया गया है, वहीं अब इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है 1833 के एक्ट में। इसका मतलब यह है कि कंपनी का कार्य ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अब सिर्फ भारत पे शासन करने का रह गया है, ट्रेड से अब इनका कोई लेना देना नहीं है। अगला पॉइंट है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। नेक्स्ट है भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1934 में किया गया। इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कंपनी की अधीन पद धारण करने के लिए किसी भी व्यक्ति को धर्म, वंश, रंग और जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। साथ ही साथ भारत के गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा पारित कानूनों को अब अधिनियम की संज्ञा दी जाने लगी। अल्टीमेटली 1833 तक हुआ क्या है? हुआ यह है कि 1773 से लेके 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि कमर्शियल बॉडी थी, अब उसको 1833 तक आते आते तक पूरी तरह से पॉलिटिकल बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि एक्ट 1853 में क्या हुआ। चार्टर एक्ट 1853, 1773 से 1853 के दौरान जब तक कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में नहीं गया, तब तक ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियमों में से ये लास्ट एक्ट है। इसके फीचर्स हम देखते हैं। पहला है, ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1853 का चार्टर एक्ट अंतिम एक्ट है जिसके पारित होने से इंडियन लेजिस्लेशन में काफी सारे परिवर्तन आए। तो अब ये प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, 1854 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसका काम कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षाएं करवाना था। इस एक्ट के पहले सेवाओं में भर्ती नॉमिनेशन के थ्रू होती थी, लेकिन 1853 के एक्ट के चलते अब से एग्जाम्स होना स्टार्ट हुए और इस परीक्षा को नाम दिया गया ICS, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज। ये एग्जाम पास करने वाले पहले व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये नाम आप याद रखेंगे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिसमें से 4 बंगाल, बम्बई, मद्रास और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से थे। आज के सेशन को हम यहीं पॉज करते हैं। हमने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 चार्टर एक्ट तक का इस वीडियो में कवर कर लिया है। 1853 का चार्टर एक्ट
अंतिम चार्टर एक्ट था, इसके बाद शासन को पूर्णतः ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। अगले वीडियो में हम आगे के एक्ट्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया पर शासन किया। इन सारे एक्ट को याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। पहला हमारा 1773 का एक्ट था। अगर हम 1784 के एक्ट को थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर दें, तो 1773 में हम 20-20 जोड़ते जाएंगे, तो हर चार्टर एक्ट 20 साल के अंतर से आया है। मतलब 1773 के बाद 1793, 20 ऐड करेंगे तो 1813, 20 ऐड करेंगे तो 1833, और 20 ऐड करेंगे तो 1853। ऐसा करके आपको सीक्वेंस याद रहेगा एक्ट का। इसके अंतर्गत जो भी जानकारी मैंने आज दी है, उसमें जो ये पॉइंट्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको याद रखना। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।